हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिव शंकर जी के जीएस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं पारा मेडिकल के अंतर्गत आने वाले कोर्सों के बारे में। और सभी कोर्स के बारे में लगभग हमने बताया है, आज हम बात करेंगे फार्मेसी के बारे में कि फार्मेसी बिहार में कुल कितना कॉलेज है और इसका कितना सीट है और इसका कितना नंबर पर एडमिशन होगा। सुनिए, देखिए, फार्मेसी इंस्टीट्यूट पटना, ध्यान से समझिएगा, फार्मेसी इंस्टीट्यूट पटना पूरे बिहार में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, अरे लाइक भी करना है। फार्मेसी इंस्टीट्यूट पटना आपके पूरे बिहार में जो गवर्नमेंट कॉलेज, हम ओनली गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे, गवर्नमेंट के अलावा किसी कॉलेज के बारे में बात नहीं कर रहे, क्योंकि बच्चा एग्जाम दिया है एंट्रेंस एग्जाम, तो एडमिशन कहाँ होगा? गवर्नमेंट में, सरकारी में। फार्मेसी इंस्टीट्यूट पटना, ये पटना का इंस्टीट्यूट है, फार्मेसी इंस्टीट्यूट पटना जो कि एक गवर्नमेंट है, और पूरे बिहार में यही सिर्फ कॉलेज है, यानी एक कॉलेज है फार्मेसी के लिए। अब इस पारा मेडिकल के जो बच्चा दिया है एग्जाम और जिसका रिजल्ट आया है, आई फार्मेसी के अंतर्गत आपका डी फार्मेसी का कोर्स होगा। डी फार्मेसी यानी डिप्लोमा फार्मेसी जो 2 साल का होता है। डी फार्मेसी में आपको वहां पे दवा के बारे में जानकारी देगा, दवा कैसे तैयार होता है, मेडिसिन कैसे बनता है, ये सारी चीजें के बारे में बताया जाएगा। बी फार्मा नहीं, बी फार्मा आपका बीसीसी के अंतर्गत आता है, जबकि डी फार्मा डीसीसी डिप्लोमा के अंतर्गत आता है। डी फार्मेसी का कोर्स मिलेगा। डी फार्मेसी फार्मेसी इंस्टीट्यूट पटना में टोटल 60 सीट है। ऐसी 60 सीट में सभी लोग आते हैं, एससीईआरटी सभी कैटेगरी के लोग आ जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पटना डेंटल कॉलेज के बारे में। पटना डेंटल कॉलेज जो है पूरे बिहार में गवर्नमेंट में एक ही पटना डेंटल कॉलेज में आपका 2 कोर्स कराता है, जो कि पारा मेडिकल के अंतर्गत आता है, डेंटल हाइजीनिस्ट और डेंटल मैकेनिक्स। देखिए, डेंटल हाइजीनिस्ट और डेंटल मैकेनिक्स का कोर्स पारा मेडिकल के अंतर्गत आता है, और ये कोर्स जो होता है पटना डेंटल कॉलेज में होता है, जो कि पटना डेंटल कॉलेज गवर्नमेंट सरकारी कॉलेज है, यहां से होता है, ये दोनों कोर्स कराया जाए। इसके अलावा डेंटल हाइजीनिस्ट कोर्स और डेंटल मैकेनिक्स कोर्स किसी कॉलेज में उपलब्ध नहीं है। ये दोनों में जो सीट की संख्या है 10-10 सीट है, 10-10 टोटल सीट है। यानी कह सकते कि पटना डेंटल कॉलेज में पारा मेडिकल के लिए, पटना डेंटल कॉलेज में पारा मेडिकल वालों को टोटल 20 सीट है, जिसमें 10 जो आ जाता है डेंटल हाइजीनिस्ट और 10 आता है डेंटल मैकेनिक वाले। जबकि फार्मेसी इंस्टीट्यूट पटना जो कि गवर्नमेंट, इसमें टोटल 60 सीट है, जिसमें एससीएसटी सब आते कैटेगरी, इसमें भी 20 सीट है, इसमें भी सभी कैटेगरी आते हैं। देखिए, डेंटल हाइजीनिस्ट और डेंटल मैकेनिक्स ये पूरे दांतों के बारे में वहां पर पढ़ाया जाता है, दांत के बारे में वहां पर अध्ययन किया जाता है, पूरी तरह से दांत के बारे में आपका डिप्लोमा कोर्स 2-2 साल का कोर्स होगा, और दांतों के बारे में वहां समझाया जाता है, बताया जाता है, अध्ययन कराया जाता है। जबकि फार्मेसी में मेडिसिन के बारे में होगा कि मेडिसिन आप तो यहाँ पे निर्माण कैसे करेंगे, कौन से केमिकल से कितना मेडिसिन तैयार होगा, कितना परसेंट केमिकल होना चाहिए, कितना परसेंट सिरप बेस होना चाहिए, पारासीटामोल बनता है तो किस टाइप से बनता है, पारासीटामोल पीसीएम को कैसे तैयार कर सकते हैं, ये सारी चीज फार्मेसी में होता है। और दांत के बारे में जो, लेकिन एक गलत फहमी होती है, देखो क्या होता है कि बहुत लोगों को यह दिमाग में बैठ जाता है कि सर हम पीएमएम का फॉर्म भरे दसवां लेवल पे, पीएमएम का फॉर्म भरे दसवां लेवल पे, तो इसको पहले था पीएमडी था जो पारा मेडिकल डेंटल, लेकिन कर दिया पीएमएम। क्यों कर दिया? इसका कारण यही था कि सभी लोग को लगता था कि पीएमडी था दांत वाला डॉक्टर बन जाएंगे, तो लोग इसको बिहार सरकार घुमा के पीएमएम कर दिया लोग। अब यहाँ पे पारा मेडिकल हो गया, इसमें मात्र एक ही कोर्स आता है जो है ड्रेसर दसवां लेवल, एक ही कोर्स है जिसका सीट पूरे बिहार में 300 है। और जबकि डेंटल वाला जो कोर्स आता है पारा मेडिकल में, वो होता है 12th लेवल पे पीएम वालों में, जो कि पटना डेंटल कॉलेज एक ही कॉलेज में होगा आपका, डेंटल हाइजीनिस्ट और डेंटल मैकेनिक्स। डेंटल की बात आए तो डेंटल यहाँ 12th लेवल पे पीएम वाला में, जबकि 10th लेवल पे कोई डेंटल उंटल नहीं होता है, बल्कि ड्रेसर का कोर्स होता है जो हाथ पैर टूट जाने के बाद पलस्तरा करने का काम करता है, ड्रेसर करता है, जो कि पूरे बिहार में 300 सीट है, समझे। इसके अलावा 10वां लेवल पे पारा मेडिकल में कोई कोर्स नहीं होता है।
तो ये था कोर्स आपका पटना डेंटल कॉलेज में, दो कोर्स होता है जो कि पैरामेडिकल के अंतर्गत आता है। आप काउंसलिंग करवाएंगे तो अगर इसमें जाना तो इसका नाम जरूर दीजिएगा, पटना डेंटल कॉलेज। अगर फार्मेसी में जाना तो फार्मेसी इंस्टीट्यूट पटना का काउंसलिंग में नाम जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए।